देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है, तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। लुपुंगपाट गांव के बच्चे खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई में भी आगे हैं। का, का, खा, खा, गा, गा, घा, घा, अंगा, चा, चा, खा, चा, जा, जा, झा, झा, इया, इया, ता। कोरोना महामारी के दौरान जहां भारत के सभी स्कूल बंद थे और बच्चों की शिक्षा संकट के दौर से गुजर रही थी, ऐसे में ग्राम सभा इससे कैसे निकलती है, इसका एक अच्छा उदाहरण झारखंड के पाठ में बसा विशेष रूप से कमजोर असुर समुदाय के गांव में दिखता है। 2 साल जब लॉकडाउन चला तो बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, फिर निर्णय लिया गया कि बच्चों को ऐसे हम कैसे फ्री छोड़ेंगे, स्कूल भी नहीं चल रही है, तो हमने ग्राम सभा अपने गाँव में किए। उसमें ये बच्चों की पढ़ाई के बारे में बातचीत किए। 6 सेंटर है तो ये 3रा सेंटर है। ये दुलातुस कलकत्ता। यस सर। सुबोध आइन। यस सर। एक बच्चे 1 रुपये पर डे, तो महीने में 30 रुपये एक बच्चे के। शहरों में तो ऑनलाइन शिक्षा कंप्यूटर और मोबाइल से लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई कुछ हद तक संभव था, लेकिन दूर दराज गाँव में रहने वाली आबादी के लिए ये सुविधा कहाँ उपलब्ध होती, इसको लेकर देश भर के शिक्षाविद चिंतित थे। तो चलिए देखते हैं मनोहरपुर प्रखंड स्थित बरगा गाँव की ग्राम सभा कैसे इस समस्या से निपटते हैं। स्थिति एकदम शिक्षित को लेकर बहुत ही दयनीय होता जा रहा था, तो हम लोग ऐसे ही और भी मुद्दे पे हम लोग ग्राम सभा करते थे, तो बच्चों की शिक्षा पर भी ये एक पॉइंट निकला कि हम लोग के बच्चे लोग जो है पढ़ाई लिखाई तो छूट गए, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ट्यूशन बंद है, तो सब अपने मर्जी घूम रहे, कोई पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा। ऐसे में हम लोग खुद से ये डिसाइड किए कि हम लोग के बच्चे लोग को हम ही लोग पढ़ाएंगे। कोरोना संकट के इस दौर में जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाना भी ग्राम सभा के पास एक चुनौती थी। ऐसे में सबसे पहले जरूरतमंद लोगों की सूची तैयार की गई, उन लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाई गई और बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन में रहने और खाने की बेहतर सुविधा मुहैया कराई गई। अपन गांव सकिया में क्वारंटाइन सेंटर रख ली और सुनने में आला कि कहीं कहीं किनारे ले तोहरे प्रधानमंत्री आवास बना है से हाँ होम सेंटर रख रहा, तो का कारण रहे जे तोहरे पंचायत में होम सेंटर नहीं मांग के अपन गांव में होम सेंटर बना ला। अब हमारा बच्चा को हम लोग दूर कहे रखेंगे, जब हमारा बच्चा प्रदेश से लौटा तो हम लोग अपना क्वारंटाइन रखेंगे कुछ नज़दीक में, ताकि दूर से आया थका मंदा आया, कितना मुसीबत झेल करके आया हो, तब मुसीबत झेल के आया तो उसको हम लोग अपना सामने रखेंगे तब ना उसका सेवा कर पाएंगे। अब समय था आय के स्रोत के लिए लोगों को रोजगार मुहैया कराना।
ग्राम सभा ने पंचायत और प्रखंड स्तर से मिलकर विभिन्न सरकारी योजनाओं में काम की पहचान की, जिसमें सबसे प्रमुख था मनरेगा। लोग अगर ग्राम सभा में सहभागिता लेते हैं तो जो भी योजनाएं हैं वो सही दिशा से वो लागू होंगी। अगर ग्राम सभा सशक्त नहीं है या ग्राम सभा सही नहीं है तो जो एकदम नीचे तबके के लोग या वंचित परिवार के जो लोग हैं जिनको मिलना चाहिए वो उनको ना मिल करके कोई और उठा लेता उसका लाभ। लॉकडाउन के कुछ दिन बाद ही मनरेगा से डोभा कोड़ा रहा था, उसमें काम किए और काम करते के उसी बीच में ये बागवानी वाला भी शुरू हो गया। हमको 96 दिन का पैसा मिल चुका है। इससे पहले बेंगलोर गए थे काम करने के लिए, बीच में लॉकडाउन पड़ गया, घर आने के बाद जॉब कार्ड बना के 65 दिन काम किए। आमतौर पर ग्राम सभा कितना सशक्त है वहाँ के ग्राम सचिवालय के कामकाज से पता चलता है। ये कुमला जिला स्थित बसिया प्रखंड का सिद्धमा गांव है। यहाँ के ग्राम सचिवालय योजनाओं की पहचान कर उसे जमीनी स्तर में उतार रही है। ग्राम सभा से ही ना आपका माने वीडियो तक बात जाती है या तो पंचायत तक बात जाती है। हम लोग जब तक यहाँ अपना निर्णय लेंगे कि कौन सा हमको योजना चाहिए, यहाँ हम लोग ग्राम सभा करके जो केला अभी हम लोग को मिला है, जो व्यक्ति इच्छुक है लगाने के लिए, जिसके पास पानी का व्यवस्था है, जिसका जमीन है, वैसे व्यक्ति को चयनित करके यहाँ योजना दिलाए। हम लोग का पहला साल का फल आया है, जिसका जमीन 1-2 एकड़ है वो लोग कर सकते हैं। ग्राम सचिवालय के सक्रिय होने से मनरेगा जैसे कामों में पारदर्शिता दिखाई दे रही है, साथ ही लोगों को उनके कामों का उचित मानदेय मिल रहा है। मजे की बात तो ये है कि सचिवालय के सक्रिय होने से लंबे समय से चलने वाली बिचौलिए व्यवस्था में भी कमी आ रही है। दादा, अभी जैसे बरसात नहीं हो रहा है तो आप लोगों का क्या सोच है, क्या विचार है कि आगे हम लोग क्या चास करना चाहिए? अभी इन्हें दिसर तो नौका आकार नेस्ल का तो बांग हुई करना, साग सब्जी हुई ना, आई मैं मांगते हैं जन रखूं। अब लोग इस बात को मान रहे हैं और सरकार भी समझ रही है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कई आपदाओं को गांव की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं। ये झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा स्थित भिलाई पानी गांव है। इस वर्ष बारिश कम होने की वजह से खेती ना के बराबर हुई है। इस संकट से निकलने के लिए यहाँ की ग्राम सभा पंचायत के साथ साथ मिलकर राहत योजना तैयार कर रही है।